आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 43, देहरादून में 36, उधमसिंह नगर में 9, नैनीताल में 8, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिला। कोरोना की चपेट में आए सीएम तीरथ, फेफड़ों में मिला संक्रमण तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह आइसोलेशन में चल रहे हैं। इस कारण उनका सोमवार से शुरू होने वाला 3 दिनी दिल्ली दौरा स्थगित हो गया। दिल्ली प्रवास दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी थी। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर, कहा भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए देशमुख डाल रहे थे दबाव। तो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोपों की जल्द निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच करने के निर्देश दिए जाने की अपील की है। परमवीर ने आरोप लगाया सांसद मोहन डेलकर खुदकुशी मामले में देशमुख भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डाल रहे थे। कोविशील्ड की खुराक का अंतर बढ़ाया, 6 से 8 सप्ताह में कभी भी लगवाएं। तो कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड टीके की खुराकों के बीच अंतराल बढ़ गया है। दूसरी खुराक अब 6 से 8 सप्ताह में कभी भी लग सकती है। केंद्र सरकार ने दोनों खुराकों के बीच के अंतराल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी यह 4 से 6 सप्ताह के बीच दी जाती थी। स्कूल खुलने के दिन से पूरी फीस देनी होगी। तो कोविड 19 की वजह से बंद स्कूलों को कुछ कक्षाओं के भौतिक रूप से शुरू होने की तिथि से छात्रों को पूरी फीस जमा करनी होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी आज भी संभावना। तो प्रदेश में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदल दिया। इससे मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम सर्द होने से लोगों को फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार मंगलवार को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अनेक स्थानों, देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भाजपा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों? तो बागेश्वर से खबर आई है, राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से बागेश्वर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पुलिस ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। जैसे ही कौशिक के सरकारी हेलीकॉप्टर से आने और गार्ड ऑफ ऑनर की सूचना फैली, या सियासी मुद्दा बन गया। विपक्षी दलों ने इसे लेकर भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रतिसार निरीक्षक की गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ, मामले की जाँच कराई जाएगी। कुंभ में कोरोना नियमों का सख्ती से होगा पालन। तो सरकार ने बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए कोरोना मानकों पर कड़ाई से पालन करने को कहा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। दुखद प्रख्यात लेखक सागर सरहदी का निधन। तो कभी कभी सिलसिला और बाजार जैसी फिल्में लिखने वाले लेखक फिल्मकार सागर सरहदी का आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते रविवार को निधन हो गया। सुशांत राजपूत की छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी। तो दिग्वंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए चुना गया है। सोमवार को घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मनोज बाजपेयी को भोसले और धनुष को असुरन में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। रनौत को यह पुरस्कार मणिकर्णिका और पंगा में भूमिका के लिए दिया गया। उन्हें 4वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रिंसिपल स्कूल मैनेजर को 1 साल की कैद। तो हरिद्वार से खबर है, जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू आदर्श नगर रुड़की की प्रिंसिपल और मैनेजर को 1-1 वर्ष का कारावास और 1-1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। आयोग ने दोनों के गैर जमानती वारंट भी जारी की है। मामले की सुनवाई के लिए अग्रिम 24 मार्च 2021 मुकर्रर की गई है। महाकुंभ जूते पहनकर आए तो हर की पेड़ी पर नो एंट्री। तो शाही स्नान के दिन हर की पेड़ी पर जूते चप्पल पहनकर किसी भी यात्री को आने नहीं दिया जाएगा।
अफसरों की लापरवाही से बदहाल हो गई सड़कें। तो उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते सड़कों की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। पाँचवीं से उनके छात्रों को देनी होगी पूरी फीस। तो सरकार ने पाँचवीं से ऊपर सभी कक्षाओं के छात्रों से पूरी फीस लेने के आदेश जारी किए हैं। आयोग ने आंसर की जारी की। तो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन परीक्षाओं के सवालों के उत्तर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि 15 से 17 मार्च के बीच लेखा लिपिक व आसू लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं की गई थी। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट डाउनलोड कर होम पेज पर CBT ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक कर व्यू आंसर शीट पर नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि व पाली दर्ज कर सवालों का जवाब जान सकते हैं। जनता का उपहास उड़ा रही राज्य सरकार। तो पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेशवासियों का मजाक उड़ा रही है। कहा कि सरकार लगातार जन भावनाओं के साथ खेल रही है। CM के संक्रमित होने से प्रदेश सरकार और भाजपा में हड़कंप। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने से सरकार और भाजपा नेताओं में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक, नौकरशाहों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, जिस वजह से हर किसी में संक्रमण का डर बैठ गया है। रामनगर विधायक, DM और SSP समेत 70 आइसोलेट। तो वानिकी दिवस पर रामनगर आए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके संपर्क में आए 70 से अधिक लोगों को आइसोलेट कर कोविड जांच कराने का फैसला किया है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आई है, पर्यटकों की पूरी बस कोरोना संक्रमित। तो गुजरात से ऋषिकेश घूमने आए 23 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग एक बस से सवार होकर आए थे। मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित निकला है। पिथौरागढ़ में संक्रमण का खतरा मंडराया। तो CM तीरथ सिंह रावत के कोरोना संक्रमित होने के बाद सीमांत भी भाजपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। काबीना मंत्री विशन सिंह चुफाल, विधायक चंद्रा पंत के अलावा कई भाजपा नेता एक सप्ताह पूर्व तक CM के संपर्क में रहे थे। एयरपोर्ट पर हर वक्त तैनात रहेगी एम्बुलेंस। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अब एम्बुलेंस तैनात रहेगी और कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। PCS भर्ती परीक्षा न होने पर आक्रोश। तो राज्य में पिछले 5 साल से PCS भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं होने पर बेरोजगार सड़कों पर उतरे। दून में बेरोजगारों ने सचिवालय कूच का प्रयास किया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम थी, जिन्हें पुलिस ने कनक चौक पर ही रोक दिया। निर्माण कार्यों की रिपोर्ट हर 15 दिन में देनी होगी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की। जींस वाले बयान के विरोध में प्रदर्शन। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस को लेकर दिए गए बयान के विरोध में द ब्रेव वुमेन संस्था ने सोमवार को गांधी पार्क में CM आवास कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने रैली में शामिल युवतियों और महिलाओं को हाथी बड़कला चौक पर रोक दिया। दून में लिए गए मसाला, मावा, पनीर, खाद्य तेल के सैंपल फेल। तो दून में लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट अब 1 साल बाद आ गई है। पिछले साल फरवरी एवं मार्च में जो सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट अब आ गई। खाद्य सुरक्षा विभाग को रुद्रप्रयाग लैब में 19 सैंपलों की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद सैंपलों के संबंध में संबंधित FSO से आख्या मांगी जा रही है और उसके 1 माह के भीतर अपील के लिए कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड में दो दिन बारिश, ओलावृष्टि के आसार। तो उत्तराखंड में कई जगह सोमवार को बारिश हुई, आने वाले 2 दिनों में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। दून के 8 इंस्पेक्टरों का पहाड़ में ट्रांसफर। तो DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने पुलिस नियमावली के तहत मैदानी और पहाड़ी जिलों में जमे 19 इंस्पेक्टरों के तबादले किए हैं। वही खबर है टिहरी से जल संरक्षण को लेकर के PM ने प्रधान अरविंद से बात की। तो विश्व जल संरक्षण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए देश के 5 ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुआ हिमपात।
तो चैत्र के महीने में बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ, नंदा देवी, नंदा घुटकी, रूपकुंड समेत ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी गिरी। वही खबर है जोशीमठ से, कांग्रेस ने रविग्राम में हेलीपैड का विरोध किया। तो जोशीमठ के रविग्राम में हेलीपैड निर्माण की कवायद के बीच कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि लंबे समय से जोशीमठ के लोग रविग्राम में खेल स्टेडियम निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्देश पर जन भावनाओं को दरकिनार कर प्रशासन ने रविग्राम में जिलाधिकारी के निर्देश पर भूमि का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। स्कूटी खाई में गिरने से पति की मौत, पत्नी और बच्चा घायल। तो कोटद्वार से खबर आई है, तहसील लंचडाउन क्षेत्र में एक स्कूटी की खाई में गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि एक मासूम सहित दो घायल हुए। घायलों को राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक भारतीय सेना में कार्यरत था, जो दो दिनों के लिए छुट्टी पर आया था। डीएवी कॉलेज में जौनसारी गीतों पर थिरके छात्र। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सोमवार को होली मिलन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने जौनसारी और हिमाचली गीतों पर जमकर डांस किया। रंग गुलाल के बीच थिरकते छात्र छात्राओं में माहौल होली के रंग में सराबोर रहा। पिथौरागढ़ से खबर आई है, सेना भर्ती की फर्जी खबर पर टनकपुर पहुंचे युवा। तो पिथौरागढ़ में सेना भर्ती कार्यक्रम की सोशल मीडिया में फर्जी खबर देख यूपी के तमाम जिलों के युवा टनकपुर पहुंचे। यहां पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस ने युवाओं को भर्ती की फर्जी खबर होने की बात कह वापस घरों को भेज दिया। लोहाघाट में होली रंग महोत्सव आज से शुरू होगा। बागनाथ की भूमि पर फूका 2022 का बिगुल। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बागनाथ की भूमि से 2022 का बिगुल फूंक रहे हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में गरज के साथ बरसे बदरा। तो जिले में सोमवार देर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। वही खबर है, बागेश्वर से आकाशीय बिजली से युवती की मौत। तो कपकोट ब्लॉक के सोराग में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में शोक की लहर है। राजस्व पुलिस ने पंचायत नामक भर अंतिम संस्कार कर दिया। वही खबर है, महिला अधिकारी के व्हाट्सएप पर बदसलूकी में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। तो कांग्रेस नेता आजाद अली पर इंश्योरेंस कंपनी की महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का आरोप है। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, विकास नगर से सरकारी अस्पताल में महिला कर्मी से छेड़छाड़ का आरोप। तो उप जिला चिकित्सालय में विकास नगर में तैनात एक महिला कर्मी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को वह ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान शहर का अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति व उसके साथ एक अन्य युवक रात करीब 9 बजे अस्पताल पहुँचे। बताया कि उक्त समाजसेवी व्यक्ति पहले भी अस्पताल में उसके साथ कई बार बदतमीजी कर चुका है। वही खबर है, देहरादून नेहरू कॉलोनी से किशोरी से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है। रणजी खिलाड़ी को नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए ठगे गए। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के रणजी खिलाड़ी को नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए ठग लिए। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों और रायपुर पुलिस ने 1 युवक को गिरफ्तार किया है। चंपावत से खबर आई, चंपावत में पहाड़ी से गिरकर वृद्धा की मौत। तो जंगल में मवेशियों को चराकर घर लौट रही एक वृद्धा गहरी खाई में गिर गई। हादसे के दिन घर में कोई नहीं होने पर किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। रात भर महिला खाई में ही पड़ी रही। वही खबर है, यह शक्ति फॉर्म से, शक्ति फॉर्म में फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव। तो क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इसके चलते किशोरी ने आत्महत्या की है या उसे आरोपी ने ही मार डाला है। युवक की संदिग्ध हालत में मौत। रुद्रपुर से खबर है, एक होटल में महीनों से रह रहे युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। काशीपुर से खबर है, ट्रेन से कटकर युवक की मौत। और ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई।
रुद्रपुर से खबर है, ये कार पलटने से चालक की मौत हो गई। शिक्षा विभाग में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगाई रोक, तो बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हाईवे पर गलत दिशा में चले तो आएगा अलर्ट। तो अप्रैल में महाकुंभ में शाही स्नान पर मेला क्षेत्र की सड़कें और हाईवे वन वे होगा। यदि कोई वाहन या पैदल व्यक्ति रॉन्ग साइड से चलेगा तो तुरंत उसका अलर्ट मेला कंट्रोल रूम में पहुंचेगा। लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो शुरू किया कारोबार। तो बीते साल के शुरुआत से ही कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो हर वर्ग की मुश्किलें दुगनी हो गई। कई लोगों की नौकरी पर संकट आया। ऐसे में कुछ युवाओं ने अवसर को पहचाना और स्वरोजगार शुरू करने की ठानी। कोरोना टीके के लिए बुजुर्गों में उत्साह, तो अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्रों में डॉक्टर मरीजों को दे रहे जरूरी जानकारी। बारिश ने कराया ठंड का एहसास, तो सोमवार को पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। भिक्षा मांगते मिले 735 बच्चे, स्कूलों में पाएंगे शिक्षा। तो भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में करीब 1500 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 750 बच्चों को पुलिस विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराएगी। सिटी बस सेवा महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी। तो कांवड़ी रोड गुलर घाटी मार्ग पर सवारियां ले जाने पर भिड़े बस और विक्रम चालक। बेरोजगारों ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। तो पीसीएस भर्ती पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच करने गए बेरोजगारों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रेलवे स्टेशन पर उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां केंद्र सरकार व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात की जा रही है, वहीं रेलवे स्टेशन पर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। बात करें जॉब एड को लेकर के, तो असिस्टेंट इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL में 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मुख्य लेखाधिकार व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो 21 पदों पर भर्ती है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल रखी गई है। यूपी मेट्रो में योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर, तो 292 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा सचिवालय में जल्द करें आवेदन, तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है सचिवालय में, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक ईमेल कर सकते हैं। होली मिलन समारोह में खूब उड़ा गुलाल, नृत्य ने मचाया धमाल। विश्व जल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पर्वतीय राज्यों में तेजी से गहराते जल संकट पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। खबर है 44 से, युवक की मौत के मामले में पत्नी सहित एक गिरफ्तार। तो बीते 18 मार्च को सुली डांग में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को उसकी पत्नी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। खबर है पौड़ी से, मृतकों को वृद्धा अवस्था पेंशन बांट रही समाज कल्याण। तो समाज कल्याण विभाग वर्षों से मृत लोगों को वृद्धा पेंशन बांट रही है। विभाग की इस लापरवाही पर DM ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा हो रही कम, बढ़ रहा संकट। तो विश्व जल दिवस पर वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी में आयोजित गोष्ठी में बोले वक्ता। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शाही स्नानों पर ट्रेनों के संचालन की मांगी रिपोर्ट। तो कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने 28 जनवरी को रेलवे के चेयरमैन से 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान पर हरिद्वार और मेला क्षेत्र में कोई ट्रेन न चलाए जाने के लिए पत्र भेजा था। तीरथ के संक्रमित होने से हरिद्वार में हड़कंप। 10 दिन में 3 बार आए मुख्यमंत्री, संपर्क में रहे लोगों का चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया गया है। डूब रहे लोगों को बचाने वाले युवा सम्मानित। तो गंगा में डूब रहे व्यक्ति को बचाने आए 3 युवकों को कुंभ मेला IG ने सम्मानित किया है।
वही खबर आई है हरिद्वार से मोबाइल लूटने वाले चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शिवालिक नगर व अन्य क्षेत्रों में मोबाइल लूटने वाले अलग अलग गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आंधी से बिजली और पानी का संकट, तो जम्फर टूटने से 20,000 उपभोक्ता परेशान रहे। वही खबर है हल्द्वानी से, प्रधानाचार्य और पूर्व शिक्षक में मारपीट हुई है। तो राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में सोमवार की दोपहर प्रधानाचार्य आरएस पांडे और पूर्व शिक्षक पुष्पेश सांगा के बीच मारपीट हो गई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो युवाओं और विधायक भोरियाल के बीच में हुई तीखी बहस। तो रविवार को एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, युवाओं ने लगाया अपमान का आरोप। कपकोट विकास खंड की लीति में रविवार को मत्स्य योजना के शुभारंभ के मौके पर क्षेत्रीय युवाओं और विधायक बलवंत सिंह भोरियाल के साथ तीखी बहस हो गई। युवाओं और विधायक के बीच ज्ञापन लेने को लेकर हुए तकरार का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक भी विपक्ष के निशाने पर हैं। चंपावत से खबर है, स्थायी बेटे की स्थायी नौकरी के लिए धरना। तो बेटे की स्थायी नौकरी देने और आर्थिक मदद की मांग के लिए मजदूर चेतराम का धरना शुरू हो गया है। वही खबर है, यह बनबसा के बमनपुरी क्षेत्र में दो जगह आग लग गई। घंटे भर तक जाम में फंसे सैकड़ों वाहन, तो डंपिंग जोन हटाने और चौड़ीकरण के लिए एनएच पर लगाया गया जाम। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो महिलाओं को औषधि खेती के प्रति जागरूक करें, तो कुलपति बोले तकनीकी हस्तांतरण और शोध के लिए मंच प्रदान करता है मेला। वही खबर है, शक्ति फार्म से बैठी हालत में मिला छात्रा का शव, गले में था फंदा, तो पिता ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए उठाया है। वहींपुर से खबर है, कार पलटने से अल्मोड़ा निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि खटीमा से खबर है, असमल राइफल के हवलदार की बीमारी से निधन हो गया। वही खबर है, रुद्रपुर से होटल में ठहरे पिथौरागढ़ निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शक्ति फार्म से खबर है, कोरोना टीकाकरण के लिए उमड़ रही है भीड़। पंद्रह सौ मीटर दौड़ में शिवम निशा प्रथम, तो खेल महाकुंभ दौड़ प्रतियोगिता में सिर्फ 65 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग।